माँ, मैं आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। राहुल गांधी के ये शब्द अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए थे। आखिर जिस पद पर पहुंचने और जिस पद को हासिल करने की ख्वाहिश हर नेता देखता है, प्रधानमंत्री के उस पद पर आसीन होने से राहुल गांधी ने मां सोनिया को मना क्यों कर दिया था? बात 7 मई साल 2004 की है। दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित सोनिया गांधी के निवास स्थान 10 जनपद पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक चल रही थी। इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी थी कि सोनिया गांधी ही देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी, लेकिन तभी अचानक बैठक के बीच राहुल गांधी की एंट्री होती है। वे सबके बीच बोलते हैं कि मैं आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। इस बैठक का विवरण मिलता है नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में। अपनी इस किताब में नीरजा चौधरी ने कांग्रेस नेता नटवर सिंह के हवाले से लिखा है कि मैं कमरे में ही मौजूद था, तभी राहुल गांधी वहां आए और सोफे पर बैठी अपनी मां सोनिया गांधी, जो उस वक्त परेशान दिख रही थी, उनसे बोले कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। ये बात राहुल गांधी ने बड़े ही गुस्सैल अंदाज में कही थी। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को मार दिया गया था। राहुल बोले, आपको भी 6 महीने के अंदर मार दिया जाएगा। राहुल गांधी के गुस्से के बारे में नटवर सिंह ने नीरजा चौधरी को बताया था कि वे इस कदर गुस्से में थे कि यहां तक कह बैठे कि अगर सोनिया गांधी ने उनकी बात नहीं मानी तो वे कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने सोनिया गांधी को सोचने के लिए 24 घंटे का समय दिया और वहां से चले गए। नीरजा चौधरी अपनी किताब में नटवर सिंह के हवाले से लिखती हैं कि राहुल गांधी की बात सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू भर आए थे। एक तरफ राहुल गांधी की जिद और दूसरी तरफ पार्टी नेताओं और हजारों कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी के नाम की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। सोनिया कुछ असमंजस में तो थीं, लेकिन काफी सोचने के बाद उन्होंने खुद ही कदम पीछे खींच लिए। इस पद को ग्रहण करने से इनकार करते हुए उन्होंने एक बयान दिया कि मैं अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कह रही हूं कि मैं प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करूंगी। उनके इस बयान से कांग्रेस समर्थक हैरानी में थे, लेकिन इस घोषणा ने सरदार मनमोहन सिंह का रास्ता साफ कर दिया। सोनिया गांधी के इस इनकार से पहले तक मनमोहन के नाम की चर्चा तक नहीं थी, लेकिन अचानक पार्टी ने सर्वसम्मति से मनमोहन सिंह का नाम आगे किया। उनके नाम की घोषणा को कुछ आलोचकों ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहकर तंज कसा, लेकिन मनमोहन सिंह के नाम से पार्टी के सभी नेता लगभग संतुष्ट ही थे। वे इससे पहले देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे और नरसिम्हा राव के कार्यकाल में मुद्रा का अवमूल्यन कर देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा रिस्क लेते हुए पटरी पर भी ले आए थे। इस तरह से वे पहले ही अपनी कुशलता का परिचय इस देश को दे चुके थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि उन्हें लेकर चर्चा ये रही है कि वे गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद और वफादार लोगों में से एक थे। ऐसे में जब सोनिया ने नाम वापस लिया तो पार्टी नेतृत्व की जुमा पर सबसे पहला नाम मनमोहन सिंह का ही था। और इस तरह से मनमोहन सिंह साल 2004 से लेकर साल 2014 तक इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।